Hi guys, how are you? This is Harpreet and you are watching Reet Vlogs. So this is a very special video for me because I am doing this for the very first time on my channel. So first of all, मैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे close हो, आप लोग मुझे अच्छे से जानते हो and हमारा एक direct एक connection है, so that's why मैं चाहती थी कि ये चीज़ मैं अपने channel पे ही करूँ. So आप लोगों को पता होगा कि मेरी काफ़ी time से कोई video नहीं आई है, so उसका reason ये था कि मेरे laptop में कुछ issue हो गया था, जिसकी वजह से वो मतलब because मेरा laptop काफ़ी old था, so that's why वो चल नहीं रहा था और मेरा सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग वो लैपटॉप में है. सो उस चक्कर में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट ही नहीं हो रही थी, तो अपलोड कहाँ से करती. तो ना वो आज जो है मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू लैपटॉप ले लिया जाए, बिकॉज आई नीड इट फॉर माई स्टडी ऑल्सो एंड फॉर माई वीडियो एडिटिंग थिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है. सो दैट्स वाई एक इन्वेस्टमेंट करी है, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है. सो आई बॉट मैकबुक प्रो 13 inches. तो मैंने अभी तक ये ओपन नहीं किया है, बिल्कुल बंद है ये ऐसे ही, एंड आई वॉन्ट कि मैं इसको आप लोगों के साथ ओपन करूँ, सो दैट अगर इन केस आप लोग भी ये लैपटॉप ख़रीदना चाहते हो तो आपको पता चल जाए कि कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जब आप न्यू लेते हो, और क्या प्राइस है इसकी वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताती हूँ. एंड लेट्स ओपन दिस नाउ, बिकॉज आपको पता है मैंने इतनी देर से अभी रखा हुआ है अपने पास एंड आई वॉज वेटिंग कि कब मुझे टाइम मिले मैं वीडियो बनाऊँ और कब ये ओपन हो. तो चलिए अब आप लोगों के साथ मैं इसको ओपन करती हूँ. Guys, look at it. It's so cute. So, मैंने सिल्वर में लिया है. आप इसमें और भी कलर्स ले सकते हो, स्पेस ग्रे या फिर गोल्ड में ले सकते हो, बट मुझे ज़्यादा सिल्वर में ही, बिकॉज आई हैव सीन दिस मैकबुक इन सिल्वर कलर मोस्टली, सो दैट्स वाई आई वॉज लाइक कि सिल्वर ही लेना है. सो हाउ टू ओपन इट यार लाइक दिस. ओके, मैं इसको भी संभाल के रखने वाली हूँ बिकॉज अभी न्यू है ना, तो अच्छे से रखूँगी. सो लुक, दिस इज हाउ इट लुक्स. पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बॉक्स में और क्या क्या होता है, देन वील ओपन इट. ओके, सो पहले हो गया लैपटॉप एंड आई थिंक दिस वन इज द चार्जर एंड देन दिस इज द आई थिंक या इट्स अ बुकलेट. हाँ ये सारा ओके चार्जर है एंड दिस इज़ द बुकलेट हेल्प मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड देन द मेन थिंग. नाउ लेट मी ओपन दिस. सबसे पहले आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है ये. सो नाइस. ओके, सो ये थी मेरी मतलब फर्स्ट लुक लैपटॉप की. आप लोगों के साथ ओपन करना था इसको. नाउ आई एम गोइंग टू चार्ज दिस एंड ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है ये आप लोगों को आज ही बन रही है और आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ. सो दिस इज़ लाइक आप लोगों को लगे आज ही लेके आई हूँ मैं. ओके, तो मैं अब आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ इफ़ इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बाई दिस वन. इसमें प्रो में बहुत सारे मॉडल्स हैं. दिस वन इज़ 13 inches और आप 15 inches ले सकते हो, तो वो वैसे प्राइस अप होती जाएगी. ओके, तो मैं आपको अभी इसके फीचर्स बता रही हूँ. सो इसकी जो स्क्रीन है दैट इज़ इसका जो पूरा है दैट इज़ 13.3 inches है ये, और इसमें जो प्रोसेसर है दैट इज़ इंटेल कोर i5 2.3 एंड 8 GB रैम है, और जो इसमें ग्राफिक कार्ड है दैट इज़ इंटेल आयरिस प्लस ग्राफिक 640. सो बिकॉज इसमें ग्राफिक्स अच्छे हैं दैट इज़ वाई मैंने ये चूज़ किया है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक्स अच्छे चाहिए होते हैं, और
या एंड हमारे बजट में जो था वो यही बैठ रहा था राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई गो फॉर दिस. अदरवाइज अगर आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब और ज़्यादा आपका बजट है, देन आप 15 इंचेस मैकबुक जो प्रो है 15 इंचेस, आप उस वो भी ले सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. मैंने आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करनी थी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टुडे. और अब मैं इसको चला के देखने वाली हूँ, फाइनली ओपन हो गया है. देखती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं इसके, बिकॉज दिस इज़ एज आई सेड के दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग मैकबुक. तो अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड स्टे ट्यून्ड, आई हैव मेड अ न्यू शेड्यूल फॉर माई चैनल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. फ्रॉम 1st of April आई प्रोमिस यू यू विल सी वीडियोज मंडे टू फ्राइडे डेली एट 12 noon. एंड टमोरो जो है मैं सोफिया के होम टाउन भी जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग्स जो मैं सोफिया के साथ बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू मीट हर पेरेंट्स एंड आई एम गोइंग टू हर हाउस और वहाँ पे मैं रुकूंगी एक आध दिन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज व्लॉग्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. टिल देन नाउ आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.